मैं शशि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गैमेट्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। गैमेट्स किस प्रकार से बनाने चाहिए? जब आप जेनेटिक्स की कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आपके गैमेट्स बिल्कुल सही बनने चाहिए। अगर गैमेट्स एक बार सही बन जाते हैं तो न्यूमेरिकल आपका सही हो जाता है। तो गैमेट्स बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गैमेट्स बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी संभावित या जितने भी पॉसिबल गैमेट्स बनने चाहिए उतने बना लेने चाहिए। तथा दूसरा बात यह है कि प्रत्येक गैमेट के अंदर प्रत्येक कैरेक्टर का एक ही एलील आएगा। तीसरी बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि प्रत्येक कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हर एक गैमेट्स में होना चाहिए। अब हम एक उदाहरण लेकर के गैमेट्स फॉर्मेशन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो हम एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का उदाहरण देते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम एक साथ तीन कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं। जैसे पहला कैरेक्टर है कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा कैरेक्टर है कैपिटल बी स्मॉल बी, और तीसरा कैरेक्टर है कैपिटल डी स्मॉल डी। तो ये तीन कैरेक्टर्स हैं। इन तीन कैरेक्टर्स को जब हम एक साथ लेकर के क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट के कितने पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे वो हम देख लेते हैं। तो गैमेट्स बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले हम पहले कैरेक्टर के दोनों एलील्स को थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, इस तरह से कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके बाद इन एलील्स को हम बाइफर्केट कर लेते हैं। बाइफर्केट करने के बाद में जो दूसरा कैरेक्टर है उसके दोनों एलील्स को हम बारी बारी से लिख लेते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। इसके बाद फिर प्रत्येक एलील को हम बाइफर्केट कर लेंगे और इसके बाद तीसरे कैरेक्टर के दोनों एलील्स को बारी बारी से लिख लेंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। इसके बाद हम गैमेट्स बना लेंगे। तो जो पहला गैमेट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, दूसरा बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, तीसरा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, चौथा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, पांचवा बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, छठा बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, सातवा बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, और आठवां बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। इस तरह से ये आठ गैमेट्स हमारे पास में बन जाएंगे। तो इस तरह से आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो आपके बिल्कुल सही सही से गैमेट्स बन जाएंगे। अब गैमेट्स को कितने गैमेट्स बनने चाहिए इसको चेक करने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ। उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। n यहाँ पर हेटरोजाइगस पेयर्स की संख्या है, हेटरोजाइगस पेयर। जैसे मान लीजिए इसी उदाहरण में हम समझते हैं कि यहाँ पर तीन कैरेक्टर हैं, तीनों के कैरेक्टर के जो एलील्स हैं, प्रत्येक कैरेक्टर के एलील के अंदर कैपिटल ए है स्मॉल ए है, तो ये एक हेटरोजाइगस पेयर हो गया, ये भी एक हेटरोजाइगस पेयर हो गया और ये तीसरा भी एक हेटरोजाइगस पेयर हो गया। तो हेटरोजाइगस पेयर की संख्या 3 हो गई है, तो n 2 की पावर 3 हो गई, तो बराबर 8। तो हमारे 8 गैमेट्स बने। और अगर मान लीजिए कि सभी होमोजाइगस पेयर हैं तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा।